महादेव जय श्री कृष्ण। हेलो एवरीवन, मैं मनीषा आप सबका स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आज जो है सेकंड स्टैंडर्ड गुजराती के बच्चे जो है कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, और वो जो एक्सपेरिमेंट है वो उनका लेसन है। उनके मैथ्स में जो है एक लेसन आता है कि नींबू पानी कैसे बनाते हैं, तो आज बच्चों को हम वो प्रैक्टिकल करवाने जा रहे हैं, ताकि लेसन में से तो वो बच्चे सीखेंगे ही, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक उनको वो लेसन जो है उतना याद नहीं रहता है जितना कि प्रैक्टिकली करके याद रहता है। तो चलिए चलते हैं। उनको हमने बहुत ही अच्छी तरह से लैब टाइप हॉल में बिठा दिया है, और वहाँ पे उनको उनका मैडम जो है हेल्प कर रहे हैं, और मासी जो है दोनों वो भी हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं सीधा बच्चों के पास और देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्या क्या मटेरियल्स लाए हैं अपने साथ। सो लेट्स गो। सो गाइस, यहाँ पे देखिए सब आपको हेलो बोल रहे हैं। से हेलो। सो सारे बच्चे जो है बहुत खुश है आप सब लोगों को मिलके मेरे साथ। मेरे वीडियोस में जो है बच्चे आते ही रहते हैं और आते ही रहेंगे, क्योंकि अभी जो हमारे वड़ा प्रधान जो है श्री नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कहा है कि ये एक डिजिटल माध्यम जो सोशल मीडिया है वो बहुत अच्छा है, कि बच्चों की प्रवृत्ति जो है वो बाहर आती है। यहाँ पे क्या है, हम स्कूल में जो भी बच्चे को सिखाते हैं, जो भी कुछ कराते हैं, तो वो सारा हम पेरेंट्स को जो है बुलाते नहीं है वो देखने के लिए, लेकिन अगर सोशल मीडिया थ्रू हम वो वीडियोस बनाते हैं तो पेरेंट्स देख सकते हैं कि बच्चे के अंदर कौन सी प्रतिभा जो है अंदर छुपी हुई है, और उनको भी ये जानने में मज़ा आता है कि हमारे बच्चे जो है वो स्कूल में एक्टिव है। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक ऐसा बुक में, यहाँ पे एक ऐसा जो लेसन यहाँ पे है उन लोगों की बुक में, बच्चों की बुक में, कि नींबू पानी बनाना है। तो वो चैप्टर जो है आज हम लाइव करने वाले हैं बच्चों के साथ। जो मेरे पीछे बच्चे बैठे हैं आप देख रहे हो ये वाले जो लाइन में, तो वो बच्चे सारे जो है वो मटेरियल लेके आए हैं नींबू पानी का, जो नींबू पानी में जो जो चीज़ें हम डालते हैं वो सब लेके आए हैं। तो आज हम बच्चों को जो है वो अपने आप बनाने देंगे कि उनको बनाना है वो कैसा नींबू पानी बनाते हैं, फिर उनको टेस्ट करेंगे और उनको बताएंगे कि उनमें और चीज़ अगर कुछ डालनी है तो क्या डालना है, मौसम के हिसाब से नींबू पानी में क्या क्या डालना चाहिए। तो देखिए इतने सारे बच्चे जो बैठे हैं अभी, ये सब रेडी है सब कुछ बनाने के लिए। तो चलिए अब हम देर नहीं करते हैं और बच्चों से सीखते हैं कि वो आज कैसा नींबू पानी बनाते हैं। सो गाइज, यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये सारे बच्चे जो है वो है श्री विजय मोड़ा स्कूल पोरबंदर। तो स्कूल के अंदर आज ये जग अने मग, ये जो लेसन है वो गुजराती में है। तो लींबू शरबत बनाओ अने आनंद माणो, तो यहाँ इसका मतलब है जो है लींबू शरबत बनाना है बच्चों को और उसको अपने आप इंजॉय करना है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो है पूरा दर्शाया गया है इस लेसन में। अगर किसी कोई और बच्चा भी ये यूट्यूब में खोलकर अगर देखता है तो उसको भी उत्साह के साथ ये एकदम से बनाना आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये है अभी, यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये है लींबू। अभी बच्चे जो है इसके अंदर ध्यान रखे, मैं जो भी बोल रही हूँ बच्चों को ध्यान देना है। ये है लींबू और उसमें डालना है थोड़ी सी जो है उसमें नमक डालनी है और उसमें शुगर डालना है, एक चम्मच जैसा शुगर डालना है और एक ग्लास पानी लेना है। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये दर्शाया गया है कि अभी इसको कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा हमारा मैथ्स का जो है चैप्टर है। तो अभी मैंने आपको ये सब बताया, लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो बच्चे सारे अभी मटेरियल लेके आए हैं सारा का सारा, तो अभी ये सब बनाने वाले हैं नींबू पानी। यहाँ पे श्री विजय मोड़ा स्कूल में हम जो भी करवाते हैं, किसी भी बच्चों के ऊपर हम कोई लोड नहीं डालते हैं कि कंपलसरी सबको करना है, लेकिन जो भी इंटरेस्टेड हो, बच्चे जो अवेलेबल हो उनके पास, वहीं उनको लेके आना है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है। तो इसी, बस बच्चे और पेरेंट्स कंफर्टेबल रहे, इसी तरीके से हम उनको जो है वो ये सब सिखा रहे हैं। तो आज का हमारा चैप्टर जो है वो आज आप देख सकते हैं कि बच्चे घर से लेकर आए हैं ये सब सामान। तो देखिए अभी यहाँ पे है, आपका नाम हर्षिल। देखिए ये फर्स्ट बच्चा जो है उनका नाम हर्षिल है, और हर्षिल देखिए सारी चीज़ें लेके आया है। आपका नाम कार्तिक। देखिए कार्तिक के पास भी सारी चीज़ें हैं। मैं सभी बच्चों के नाम बोलूँगी, क्योंकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके नाम उनके पेरेंट्स तक ये पहुँचना चाहिए, तो उनको खुशी मिलेगी कि बच्चे जो है वो अच्छी तरह से सीख रहे हैं। आपका नाम खुशी। खुशी, यस। देखिए खुशी भी जो है वो सामान लेकर आई है। आपका नाम त्रिशा। ओके, देखिए ये त्रिशा देखिए, और ये भी घर से सामान लेकर आई है। आपका नाम शिवानी।
शिवानी भी अपने घर से सब कुछ, बच्चों की आप एक देखिए, उनके मैम ने उनको अच्छी तरह से समझाया था कि क्या क्या लेकर आना है। तो मैम ने जिस तरीके से बच्चों को समझाया है, बच्चे सब लेके आए हैं घर से, कोई चीज़ बच्चा नहीं भूला है। आपका नाम हेतवी। देखिए सारे बच्चे इंतज़ाम करके आए हैं। मैं सब पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने बच्चों को ऐसी तैयारी के साथ भेजा है। बेटा आपका नाम एकता। तो देखिए एकता के पास भी बहुत ही अच्छी सी चीज़ें और सामग्री जो भी चाहिए वो लेके आई है। आपका नाम तनीषा। तनीषा, तनीषा भी लेकर आई है यहाँ पे सब कुछ। तो नींबू जो है वो सब बच्चे लेके आए थे, तो यहाँ पे हमने जो है मासी जो उनका ख्याल रखती है बच्चों का रोज़, उन मासियों को हमने बोला था कि नींबू काट के उनके पास रख दिए जाए, क्योंकि अगर नाइफ से बच्चे काटेंगे तो शायद वो लगने का डर रहता है। तो कोई भी बच्चे ने अपने आप नींबू नहीं काटा है, नींबू मासी ने काट दिया है सबको। तो अभी चलिए शुरू करेंगे। और पीछे ऑडियंस बैठी है, हाय। देखिए ये जो ऑडियंस है वो उनके क्लास की ऑडियंस है, बहुत ही इंजॉय करेंगे हम, राइट? चलिए तो अभी हम देखते हैं कि ये सब नींबू पानी बनाएंगे। लेकिन बेटा ये कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है? ये जस्ट हमारी प्रतिभा, हमारे अंदर जो कुछ भी छुपा है, हम क्या बना सकते हैं वो हमें दिखाना है। तो इतने सारे बच्चे, वैसे तो एक बच्चे को भी बोलते तो भी ठीक था, लेकिन ये उत्साही है तो बहुत सारे बच्चे आए हैं। तो चलिए अभी आप शुरू कर दीजिए बनाना। चलो सारे बच्चे क्या करना है, पहले आपको पहले नींबू डालना है ग्लास में। चलो नींबू है सबके पास, हाँ, नींबू को ग्लास में अच्छी तरह से निचोड़ो। चलो मासी ने सबको नींबू काट के दिए हैं, हाँ, ग्लास में सब बच्चे अच्छी तरह से नींबू निचोड़ेंगे। उसके अंदर छोटे छोटे बी होते हैं वो नींबू के सीड्स, तो उसको निकाल लेना है सीड्स को, ठीक है? उसके अंदर नींबू का रस जाना चाहिए, सीड्स नहीं जाने चाहिए नींबू के। सो गाइज यहाँ पे देखिए, जैसे कि सब बच्चों ने जो है, हमने यहाँ पे बोला कि आप सब सीड्स जो है वो बाहर निकाल लेंगे, तो सारे बच्चों के ग्लास में, अभी किसी के भी ग्लास में एक भी सीड्स नहीं है, आप देख सकते हैं। सारे बच्चों ने जो है वो सीड्स निकाल लिए हैं, और उनको अभी जो नेक्स्ट जो डालना है वो हम इनको बोलने वाले हैं। सो किड्स, आपको अभी नेक्स्ट क्या डालना है? नमक। चलो, यानी गुजराती में उसको मीठू बोलते हैं। तो नमक डालो, थोड़ा सा, एक चुटकी, एक चुटकी नहीं, वो शक्कर है, हाँ, नमक थोड़ा सा, एक चुटकी नमक डालो। चलो सब थोड़ा सा नमक डालो, स्वाद अनुसार, थोड़ा सा ही नमक डालना है स्वाद अनुसार, ज़्यादा सोल्टी ना हो जाए, ठीक है? चलो सब ने डाल लिया, चलो किसने डाल लिया, हाथ ऊपर करो। यस, वेरी गुड, सब ने डाल लिया। चलो अभी हमने अच्छी तरह से नमक डाला, अभी सब अपने हाथ में स्पून पकड़ो, चम्मच अपने हाथ में लो और ग्लास में हिला लो नमक को, ग्लास में नमक को हिला लो। चलिए अब इसमें डालना है एक स्पून शुगर डालेंगे, क्या डालेंगे? चलो खांड जो है, चीनी जो है वो डालनी है आपको, तो चलो डालो उसके ऊपर एक चीनी डालनी, एक पूरा चम्मच भर के डालो, हाँ, उसको उसमें डाल दो ग्लास में। यस, अब ग्लास में डाल दिया ना, अब अच्छी तरह से हिलाओ उसको। चलो वेरी गुड, अच्छी तरह से उसको घुल मिल जाना चाहिए। अब सबके पास पानी है, चलो पानी की बोतल खोलो। यस, पानी की बोतल खोलो सारे बच्चे। गुड, अभी पानी पीना नहीं है, पानी को डालना है ग्लास के अंदर। बच्चे पानी पीने लगे, कोई बात नहीं, अगर आपको प्यास लगी है तो यू कैन ड्रिंक, आप पी सकते हो, लेकिन अभी आपको क्या करना है, चलो पानी को डालो ग्लास में। यस, एक ग्लास, हाँ, हाफ या हाफ से थोड़ा सा ऊपर जो है वो ग्लास आपको भरना है और उसमें पानी डालना है। अभी पानी डाल दिया सबने, अभी बोतल बंद कर दीजिए। चलिए अपनी अपनी बोतल को अच्छी तरह से बंद करो ताकि पानी कहीं भी गिरे नहीं। यस, अब स्पून से उसको हिलाते रहो, चलो अच्छी तरह से हिलाना है। सा
सारे के सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उनके फेस पे उत्साह तो देखिए। अभी टमाटर के दाम बढ़ गए, लेकिन ये मेरे सारे टमाटर बच्चे जो है वो बहुत ही मासूम है, और इनको देख के तो बहुत ही अच्छा लगता है कि ये कितने अच्छी तरह से कर रहे हैं। बच्चों को उत्साह मिलता है, वैसा उत्साह जो है हमें भी मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, इनको ये सारा लेसन पहले टीच किया था। ये बच्चे जो है वो सेकेंड क्लास गुजराती के बच्चे हैं, और उनकी टीचर है कविता मैम पुरोहित। तो उन्होंने जो है बच्चों को आज ट्रेन किया था, और दक्षा मासी और शांति मासी ने जो है बच्चों की हेल्प की है। उनको नींबू जो है वो हाफ कर दिया है, और अच्छी तरह से उनको सेट करके बिठा दिया गया है। तो ये हमारा जो है क्लास का लेसन आज यहीं पर कंप्लीट होता है। तो सारे बच्चों ने नींबू पानी बना लिया? अच्छा ठीक है, तो अभी मैम जो है वो फिर टेस्ट करेंगे कि आपने कैसा नींबू पानी बनाया है। सो गाइज, आपको बच्चों का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड यस। तो देखिए, बच्चों ने भी आपको बोल दिया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इसी तरह से हमारी वीडियोज़ जो है वो आती रहेंगी, बच्चों के ऊपर आती रहेंगी, कुछ अच्छे अच्छे शॉर्ट्स आते रहेंगे। तो इसी तरह से हमें प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो चलिए, आज इतना ही। ये लेसन हमने जो है प्रैक्टिकली समझा है। ये देखिए, वन टाइप ऑफ लैब यहाँ पे बना दिया है, और हमने प्रैक्टिकली जो है लेसन किया है। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।